बस कुदरती टेंशन ना दे, उसको कुछ काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं वो आया इस फंक्शन में, नहीं तो वो लाजमी आ जाता। पता नहीं सासू माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसका बाप का इस फंक्शन में होना जरूरी था। मैं भी काली हूँ, ऊपर से मेरा बेटा भी काला है, पता नहीं उसके दिल में अब क्या बात है। सासू माँ कहती है परेशान ना हो, तू काली थी शुरुआत में, देखना तेरे से कैसा सलूक करती थी, अब तू नहीं अपने अच्छे गुणों से मेरे दिल में जगह बना ली है ना, खुद नोट कर, इसी तरह सब ठीक हो जाएगा। मेरा पोता काला है, जो भी है तो बेटा ना, तो शुक्र है अल्लाह का। इसी तरह रात के एक पहर में भाई बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, वो बड़ी ही घबरा आ जाती है, कहती पता नहीं क्यों मेरे दिल को हफ्तियाँ कालियाँ हो रही हैं, दिल घबरा रहा है मेरा, पता नहीं जैसे क्या होने वाला है। वो अपने बच्चे को लेकर बेड पे आ जाती, लेकिन सारी रात सो नहीं पाती। दिन चढ़ता है, नॉकिंग होती है, वो दरवाज़ा खोलते तो सामने देखते उसका शोहर किसी और लड़की के साथ शादी करके उसके सामने खड़ा होता है। वो देख के हैरान होती, कहती आपने शादी कर ली, आपने शादी कर ली मम्मी, ये कैसे, क्या मुझ में कुछ कमी थी? कहता हाँ तुझ में कमी थी, काला रंग था तेरा, मुझे तो वैसे बड़ी बुरी लगती थी। मम्मी ये हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, जैसी तू काली है वैसा ही है, मेरा बच्चा था तो सफेद रंग का। तो वो उसको कहती है कि तुझे शर्म नहीं है, तूने शादीशुदा मर्द के साथ शादी कर ली? वो कहती है चल चल, तेरा शोहर मेरे पीछे मंडला रहा था, तू अगर इतनी पावरफुल होती ना तो फिर तेरा शोर आगे पीछे ना देखता, अपना रंग देख जाके। वो बेचारी कहती है ये देखो मारा बेटा, ये देखो, कहता जा जा काम कर, कोई मेरा बेटा नहीं है, जैसे तू काली वैसे तेरा बेटा काला, कोई मेरा बेटा नहीं है। वो बेचारी परेशान हो जाती है, कहती है देखो तुझे शर्म ही नहीं आई, ये तूने किया क्या है, शादीशुदा मर्द के साथ शादी करके तुझे पता नहीं था? कहती है पता भी होता तो फिर मैंने शादी कर ली, बस उसको मैं अच्छी लगी उसने मुझसे शादी कर ली। चलो मम्मी अंदर चले कमरे में, इतना कह के वो अंदर चले जाते हैं। नीलमा बेचारी अपने बैग में चीज़ें डालना शुरू कर देती है, कहती मैंने यहाँ रहना ही नहीं है, मेरा यहाँ गुजारा ही नहीं है, जो मेरा था वो ही नहीं रहा तो मैंने यहाँ क्या रहना। सासू माँ आ जाती, कहती अबे बेवकूफ़ लड़की, जगह खाली छोड़ जाएगी, अपने शोर से दस्तबरदार हो रही है उसको देने के लिए, अगर तू मेरे दिल में जगह बना सकती है ना तो उसको भी घर से निकाल सकती है, मैं तेरे साथ हूँ, परेशान ना हो, चल कपड़े वहां पर रख, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, ये तेरा घर है उसका घर नहीं है, अपनी मोहब्बत से प्यार से उसको फिर खींच सकती है अपने पास। वो सोचती है, वो कहती है ठीक है, वो सुबह सुबह उठती है, पराठे बनाती है उनके रखती, वो कहता है बड़े मजे के तूने पराठे बनाए हैं सिमी, मुझे बड़ा मजे के, ये पराठे मैंने तो नहीं बनाए, ये तो आप इस काली बीवी ने बनाया है, कहता है। वो पराठा उठाता और फेंक देता है, तुम्हें किसने कहा था मेरा खाना बनाने को, आइंदा सिमित तुम मेरे लिए खाना बनाना, मेरे लिए ये खाना ना बनाए, काली कलोटी के हाथ भी काले, मेरा खाने को दिल नहीं करता, खबरदार तुमने मेरे लिए खाना बनाया। वो सिमी कहती मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, तुम्हें पता है मैं किचन में नहीं जाती, ना ही मुझे कुछ बनाना आता है। कहती है हाँ हाँ तुम कहाँ जाओगी किचन में, तुम्हारा तो रंग काला हो जाएगा ना। वो कहती मुझे चैलेंज मत करो, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा खाना बना लेती हूँ। कहती अच्छा चलो मजा आ गया, शौकंजी बनाए फिर मजे का खाना, मैं भी देखती हूँ। तो वो इतना कहकर उसको चढ़ा देती है, और वो गुस्से में आके कहती है आज शाम का खाना बनाएगी तो पता चलेगा कैसा बनाती है खाना। वो किचन में आती है, खाना बनाती है, कड़वा सालन के बीच में इतनी मिर्ची और रोटी जली हुई, वो कहता है ये खाना तुमने बनाया? कहती हाँ मैंने बनाया है। कहता ये खाना ऐसे बनाते हैं, जली हुई रोटी है, ऊपर से कड़वा सालन, नमक ही नमक, मिर्ची ही मिर्ची, तुम्हें पता है मुझे किचन में काम नहीं करना।